जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम के चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके रोहिला। दोस्तों, मेरा एक मित्र है जो सामान्य वर्ग की आयु आरक्षण के लिए सामान्य वर्ग की आयु सीमा और आरक्षण के बारे में कुछ बोलना चाहता है। वो लगातार कई दिनों से मुझसे कह रहा है कि सर, मैंने एक ऑडियो तैयार किया है और मैं उसको वायरल कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस ऑडियो को मैंने वीडियो में कन्वर्ट किया है और आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, जो ये बच्चा कहना चाहता है उसमें कितनी, मतलब वो आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, वो आप इस वीडियो को सुनने के बाद अंदाज़ा लगाना। ठीक है, और अगर आपको उस बच्चे को कोई भी सलाह देना चाहते हो, उस मुद्दे में आप उसके साथ जाना चाहते हो, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप उस बच्चे को ज्वाइन कर सकते हो। आपका अपने चैनल एग्जाम की में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबके सामने फल आरक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके सामने आया हूँ। यह मुद्दा इतना ज़रूरी है हमारी फल जाति के लिए कि इसके बारे में जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप खुद इसकी महत्वता को समझ पाएंगे। आप लोगों ने सभी फल आरक्षण के बारे में सुना होगा। जो यह 10% रिजर्वेशन है, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है और यह एकमात्र एक छलावा है। अगर आप सबको यह 10% आरक्षण में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आप सबसे यह कहना है कि अगर हम सब एकजुट होकर साथ आएँ तो जनरल की एज या ई डब्ल्यू एस सेक्शन वह सेक्शन है जिसमें 10% एज रिजर्वेशन में जो लोग आएंगे कि एज इस EWS सेक्शन या जनरल की 3 साल सेंट्रल पर और 5 साल स्टेट लेवल गवर्नमेंट में बढ़ जाएगी। और इन सब के बारे में ना तो मोदी को पता है, ना मोदी जी को पता है, ना तो अमित शाह को पता है कि हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है, बल्कि ये किया दरा सारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। मतलब यह है, मेरा मतलब सीधे सीधे ये कहना है कि जो सिपाही की एज यूपी में 22 साल है वह 27 साल हो जाएगी और 25 साल है वह जहाँ जिस स्टेट में 25 साल है वहाँ यह 30 साल हो जाएगी और जहाँ SI की एज 28 है यूपी में वहाँ 33 हो जाएगी और अदर स्टेट्स में 33 से 38 हो जाएगी। UPSC वालों को भी 2 से 3 अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, 32 से 35 एज हो जाएगी और बैंकिंग और SSC की 28 से 31 कर दी जाएगी। अगर आप खुद सोच सकते हैं कि यह कितना ज़रूरी है, अगर आज हम सब एकजुट होकर फड़ जाति और जनरल एक साथ आ जाए तो यह हम सब फड़ जाति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वरना पूरी ज़िंदगी रोते रहना कि हमें फॉर्म नहीं डालने को मिलता, हमें मौका नहीं मिलता, इसलिए हम कभी भी सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं। संगठित होइए, जनरल एक साथ आए और जिसके कारण यह एज रिलैक्सेशन हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए हमारे 2 या 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा और साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक ग्रुप चल रहा है जो कि एज रिलैक्सेशन फॉर EWS सेक्शन के तौर पर चल रहा है। कृपया करके आप सब हमारा साथ दीजिए, वरना फिर पूरी ज़िंदगी हमें पछताना पड़ेगा। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ।